हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज हम बात करते हैं लेनोवो फ्लेक्स 5 लैपटॉप के बारे में। ये आप देखोगे एक फ्लेक्स 5 लैपटॉप है, ये पूरा X360 लैपटॉप होता है, पूरा कन्वर्टेबल लैपटॉप है, 14-14 इंच का लैपटॉप है ये। प्रॉब्लम की यदि हम बात करें तो इसमें इसके कीबोर्ड की प्रॉब्लम है, कुछ कीज की काम नहीं करती है, तो इसका कीबोर्ड चेंज होगा। उससे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये मशीन कैसी होती है, फ्लेक्स 14 मशीन कैसी होती है। i3 में मशीन है, i5 में भी आती है। ये i3 10th जनरेशन प्रोसेसर है, इसका लेटेस्ट ही मशीन है, अभी 10th जनरेशन है तो डेढ़ से दो साल पुरानी मशीन है ये। तो इसके कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ गई है, बैकलाइट कीबोर्ड है इसका, इसमें देखोगे आप बैकलाइट कीबोर्ड, बैकलाइट जलती है, पीछे आपको दिखोगे लाइट जल रही है इसमें, तो ये बैकलाइट कीबोर्ड है। इसका कीबोर्ड खराब हो गया है, कुछ की काम करनी बंद कर दी, जैसे ओ काम नहीं करता, पी काम नहीं कर रहा है, बी काम नहीं कर रहा है, इस टाइप की इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है, सबसे पहले हम इस विषय पे बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, कीबोर्ड की इस टाइप की प्रॉब्लम आती क्यों है। ये प्रॉब्लम मोस्टली आती है हमारी, जैसे ये मशीन है तो धूल मिट्टी के एरिया में यूज होती है, उस वजह से आती है, या ज्यादा बंदे ज्यादा टाइट तरीके से हाथ मारते हैं, उस टाइप वजह से ये दो तीन वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो इनका हम क्या, इससे बचाव क्या कर सकते हैं, बचाव यही है, इसको यदि हम कवर करके रखें, जो रबड़ वाला कवर आता है व्हाइट वाला, उससे हम यदि इसको लगा के रखें तो मे बी हमारी ये कीबोर्ड वाली प्रॉब्लम ना आए। और अब हम बात करते हैं, बात करने से आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपको सोल्यूशन देंगे। हमें इंस्टा पे मैसेज करें, हम आपको इंस्टा पे आपको अपनी आईडी में मेंशन कर देंगे, तो आप इंस्टा पे मैसेज करो, उस पर हम आपको बता देंगे। इंस्टा पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करेंगे। यूट्यूब पे आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। कोई भी लैपटॉप हो आपका, किसी भी प्रकार का, हर तरह के लैपटॉप सूरज कंप्यूटर रिपेयर करते हैं। तो अब हम आते हैं लेनोवो फ्लेक्स 5 14 लैपटॉप। प्रॉब्लम आपको हमने बताई थी कीबोर्ड की है, तो अब इसमें हम आपको इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इसके आपको एडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में बताते हैं। सबसे पहली बात है, ये आपका 360 होता है, पूरा कन्वर्जन टैब कम लैपटॉप हो जाता है, आप इसको टैब की तरह भी यूज कर सकते हैं और आप इसको लैपटॉप की तरह भी यूज कर सकते हैं। पहली बात ये i3 है, 10th जनरेशन है, 8GB रैम है और ये 512GB SSD के साथ लैपटॉप आता है। टचपैड अच्छा होता है, कीबोर्ड भी इसका अच्छा ही होता है, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो बहुत कंफर्टेबल कीबोर्ड होता है। टच स्क्रीन ये होता है। तो ओवरऑल मिला के हम बात करते हैं यदि इस लैपटॉप के बारे में, तो ये लैपटॉप बड़ा अच्छा, नॉर्मल सा डोबली साउंड वगैरह होती है इसमें, इस टाइप की इसमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। और डिसएडवांटेज जो है इसका, इसका ये जो नए लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं, फ्लेक्स के भी आ रहे हैं, आइडिया पैड में भी हम देख रहे हैं, जो लेनोवो के जिस पर जो भी लैपटॉप आ रहे हैं, ये थोड़े अब 2-2.5 साल की लाइफ के साथ ही आ रहे हैं, ये इनमें डिसएडवांटेज, जो नए लैपटॉप आ रहे हैं उनमें ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज होती है। तो अब हम बात करते हैं इसकी, कि इसमें प्रॉब्लम कीबोर्ड की है, कीबोर्ड की कौन कौन सी की काम नहीं करती है, तो वो हम आपको दिखा देते हैं चेक करके कि इसकी हमारी कौन कौन सी की काम नहीं कर रही है। टेक्स्ट में खोल लेते हैं हम इसको और देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी की काम नहीं कर रही है। A, B, C, D, E, F, G, H नहीं काम कर रहा, I, J काम नहीं कर रहा, J, K, L, M काम नहीं कर रहा, N, O, P, Q, R, S, T, U काम, U भी कर, कभी काम करता है कभी नहीं करता, U, W, X, Y काम नहीं कर रहा है, Z। तो इसमें आप देखोगे कुछ की काम नहीं कर रही है और कुछ की काम कर रही है, तो इसका हम कीबोर्ड चेंज करते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं कि इसका कीबोर्ड हम कैसे चेंज करते हैं, वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुछ होता है कि सब सर्विस में भी चल जाता है कीबोर्ड, बहुत ही कम चांस होते हैं कि सर्विस में चल जाए, तो कीबोर्ड हमें चेंज ही करना पड़ता है, तो इसका चेंज करते हैं हम कीबोर्ड, आपको दिखाते हैं इसका कीबोर्ड हम कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम मशीन को शट डाउन करते हैं, के जो स्क्रू हैं अलग तरह के हैं, स्टार बिट वाले हैं, तो इसमें स्क्रू ड्राइवर अलग ही यूज करना पड़ेगा। इसका कीबोर्ड खोलने के लिए हमें पूरा मदरबोर्ड बाहर निकालना पड़ता है एक एक पुर्जा, क्योंकि ये इंटरनल कीबोर्ड होता है, बाहर से इसमें कीबोर्ड नहीं लगता, हमें पूरा लैपटॉप बाहर खोलना पड़ेगा, पूरा लैपटॉप खोल के हम इसमें कीबोर्ड फिट करेंगे।
देखो हमारा लैपटॉप पूरा खुल गया। सबसे पहले हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, लैपटॉप में कुछ करने से पहले हमें अपनी बैटरी डिस्कनेक्ट कर लेनी चाहिए। इनमें इंटरनल बैटरी होती है, यदि हम ये नहीं करेंगे तो हमारे प्रॉब्लम होने के चांस हो जाते हैं। जब हम खोलते हैं या मदरबोर्ड पे कुछ भी काम करते हैं खोलने के लिए, तो क्या होता है हमारा स्क्रू ड्राइवर टच ना हो जाए, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उसके लिए हमें इस चीज़ को हटा लेना ही बेटर होता है कि बैटरी को हटा के तभी आप लैपटॉप को खोलें। तो अब हम इसको खोलते हैं, खोलते हुए आपको दिखाते हैं कि इसका पूरा लैपटॉप बाहर निकलेगा। पूरा बाहर जब बाहर निकलता है लैपटॉप, जब ये हमारा पूरा टच पैड ये सब कुछ बाहर हो जाएगा, तो उसके बाद ही हम इसमें ये आपका कीबोर्ड चेंज कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ये पूरा एक एक पुर्जा इसका बाहर निकालना पड़ता है। सबसे पहले हम आपकी बैटरी खोलेंगे। ये बैटरी आप देखोगे ओरिजिनल बैटरी लगी हुई है, अभी लेटेस्ट मॉडल। ये हमारा कीबोर्ड होता है, ये हमारा टच पैड का केबल है, ये हमारी बैकलाइट है, जो कीबोर्ड में बैकलाइट लगती है उसके लिए अलग से लाइट लगी होती है, ये इसका कनेक्टर होता है। तो सारी चीजें हमें इसकी हटानी पड़ेगी, पूरा ही प्रॉपर करके ये हमारा बाहर आ जाएगा। और जब भी लैपटॉप यूज करें, लैपटॉप को बेड पे रख के ना यूज करें, ये सजेशन आप हमारा मानोगे तो आपकी लाइफ, आपके लैपटॉप की लाइफ दोगुनी हो जाएगी। यदि आप इस सजेशन को हमारे मानोगे कि बेड पे रख के लैपटॉप यूज ना करें, तो आपके लैपटॉप की लाइफ 101% दोगुनी हो जाएगी। क्या होता है, हमारी जो मशीन होती है वो हीटिंग से बहुत जल्दी खराब होती है, और जब बेड पे हम लग के यूज करते हैं तो हमारी हवा बाहर नहीं निकल पाती है, जो उसकी एयर होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, जिस वजह से ये खराब होने के चांस रहते हैं, मदरबोर्ड ज्यादा खराब होने का चांस होता है। हमारा पूरा अलग हो गया, स्क्रीन अलग हो गई है, तो इसी प्रकार हमें पूरा ही लैपटॉप खोलना पड़ता है। ये हमारा मदरबोर्ड है, इसका ये SSD है, ये वाईफाई कार्ड इस पे लगा हुआ है, ये आप देखोगे। अब लास्ट में हमारा कीबोर्ड है, जब पूरा हमने लैपटॉप खोल लिया है, एक एक पुर्जा अलग अलग कर दिया है, जब आके ये हमारा लैप कीबोर्ड आता है, अब इस कीबोर्ड को हम हटाएंगे और दूसरा कीबोर्ड इसमें लगाएंगे।